मतलब महापौर का या नगर पालिका अध्यक्ष का पद आरक्षित नहीं किया जा सकता और किसी पार्षद का भी पद आरक्षित नहीं किया जा सकता, कोई सीट आरक्षित नहीं की जा सकती ओबीसी के लिए, क्योंकि ओबीसी का आरक्षण बंद है पूरे देश में। नमस्कार, हमारे साथ हैं समता आंदोलन समिति के अध्यक्ष पाराशर नारायण जी शर्मा। शर्मा जी, पीछे इंटरव्यू में आपने हमें बताया था कि ओबीसी आरक्षण हमने खत्म कर दिया। अभी हाल ही में जो स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं, जयपुर में भी नगर परिषद के चुनाव होने हैं, तो इनके अंदर यदि कोई चुनाव लड़ना चाहे जहाँ पे मान लीजिए पहले ओबीसी सीट है और वहाँ पे कोई जनरल का आदमी लड़ना चाहे, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए और आपने यहाँ रोकने के लिए क्या किया है? देखिए, ओबीसी का जो आरक्षण है वो 102वें संविधान संशोधन के बाद पूरे देश में बंद है 15 अगस्त 2018 से। ये हम बार बार बता रहे हैं, अपने हिसाब से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, हमने पूरे इंडिया में ज्ञापन भी दिए हैं सारे चीफ सेक्रेटरीज को, सारे चीफ मिनिस्टरों को, सारे राज्यपालों को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स को, सबको हमने ज्ञापन भेजा है कि साहब ये ओबीसी का आरक्षण बंद हो चुका है ये 102वें संविधान संशोधन के बाद से। और बंद इसलिए हो चुका है कि 102वें संविधान संशोधन में ओबीसी की डेफिनेशन संविधान में डाल दी गई है कि ओबीसी वही होगा पूरे देश में या किसी भी राज्य में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करे संसद की अभिशंसा के बाद। और ये संविधान संशोधन 15 अगस्त 2018 से पूरे देश में लागू हो चुका है। उसके बाद से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किसी को भी ओबीसी घोषित नहीं किया है। तो प्रैक्टिकली और संवैधानिक रूप से और लीगली आज की डेट में कोई भी ओबीसी मैदान में है ही नहीं, सिर्फ एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस जिसके सर्टिफिकेट बन रहे हैं वो हैं बस, और कोई आरक्षित वर्ग नहीं। नहीं, अभी जैसे स्थानीय निकायों के जो चुनाव होने वाले हैं तो उनके अंदर ये आरक्षण व्यवस्था रोकने के लिए आपके समता समिति ने क्या कदम उठाया है? हाँ, तो इसी पैटर्न पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने अभी स्थानीय निकाय चुनाव में जो इन्होंने लॉटरी निकाली उसमें ओबीसी का आरक्षण दे रहे हैं, इलीगल है, ऐसे संवैधानिक दे ही नहीं सकते ये। तो हमने उसकी रिट लगाई है, राजस्थान हाईकोर्ट में रिट लगाई है और वो देखते हैं कब, जब भी सुनवाई में आएगी वो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान के सामने लगेगी। पीआईएल है, पीआईएल लगाई है, लेकिन इसके लिए रिटें भी लग सकती है पीआईएल के अलावा। कोई भी वार्ड यदि लॉटरी के अंदर ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया गया है उस वार्ड का रहने वाला कोई भी व्यक्ति ये रिट लगा सकता है कि साहब मेरे को यहाँ चुनाव लड़ना है, मेरे को अनुमति दी जाए, ओबीसी तो है ही नहीं, किसको दे रहे हो आप? वो रिट लगाएंगे तो हाईकोर्ट निश्चित रूप से उसको देगा परमिशन के चुनाव लड़ेगा। एक भी अगर जनरल कैटेगरी का या एससी का या एसटी का वहां खड़ा हो गया ओबीसी लिए आरक्षित वार्ड के लिए तो खत्म हो जाएगा अपना, क्योंकि ओबीसी को आरक्षण दे ही नहीं सकते। हर ओबीसी के आरक्षित वार्ड के वासिंदे को यह अधिकार है कि वो रिट लगा करके उस वार्ड से अपना चुनाव नामांकन भर सके, लेकिन उसको रिट लगानी पड़ेगी। नहीं, कोई व्यक्ति यदि ऐसी सीट से जो ओबीसी के लिए रिजर्व कर दी है गवर्नमेंट ने और वहाँ पे वो चुनाव लड़ना चाहता है और उसके लिए यदि उसने रिट लगानी है तो वो कानूनी सहायता के लिए या परामर्श के लिए क्या आप उपलब्ध रहेंगे? हाँ, हम कानूनी सहायता के लिए उपलब्ध हैं बिल्कुल। वैसे तो 102वां संविधान संशोधन वेबसाइट पे ही पड़ा है, कहीं से भी ले लो, किसी वकील के पास उपलब्ध हो जाएगा वो। लेकिन फिर भी कोई हमारे पास आता है तो हम उसको पूरी मदद करेंगे, वकील भी कम से कम रेट पे करवा देंगे जो वो चाहेगा वो। लेकिन आगे तो हमें अधिकारों के लड़ना तो सीखे हैं लोग, लड़ते ही नहीं है, छिपे बैठे हैं। बताओ, हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं, संविधान संशोधन का हवाला देके कह रहे हैं ओबीसी का आरक्षण 15 अगस्त 2018 से बंद है, पूरे देश में बंद है। लेकिन फिर भी अखबारों में विज्ञापन निकल रहे हैं, इलीगल निकल रहे हैं, उस पर लोग वो विश्वास कर रहे हैं कि साहब इस भर्ती के अंदर आरक्षण दिया है, उस शैक्षणिक पद पर आरक्षण दिया है। अरे भाई, चले तो करो भैया, सरकारें तो जातिगत आरक्षण से, जातिगत राजनीति से इतने दबाव में रहती हैं, इनको किसी से मतलब नहीं, किसी गरीब से, पिछड़े से कोई, इनको राज करना है। लेकिन अधिकारों की लड़ाई तो आम जनता को लड़नी पड़ेगी, अगर आम जनता आगे नहीं आएगी तो इलीगल है संवैधानिक चीज़ें चलती रहेंगी, लड़ना तो हमको पड़ेगा। आगे आके रिट करें, निश्चित रूप से स्टे मिलेगा और ओबीसी के लिए कोई भी मतलब महापौर का या नगर पालिका अध्यक्ष का पद आरक्षित नहीं किया जा सकता और किसी पार्षद का भी पद आरक्षित नहीं किया जा सकता, कोई सीट आरक्षित नहीं की जा सकती ओबीसी के लिए, क्योंकि ओबीसी का आरक्षण बंद है पूरे देश में। तो आप थे पाराशर नारायण जी, आपका कहना है कि ओबीसी का आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो चुका है, यदि नगर निगम का आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी स्थानीय किसी भी निकाय का आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और आपकी सीट रिजर्व ओबीसी के लिए कर दी गई है, तो
तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप वहां जाके फॉर्म भर रही है, उससे पहले आप बाकायदा उसके लिए रिट लगाइए कोर्ट के अंदर, ये याचिका डालिए कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं और ओबीसी का आरक्षण खत्म हो गया है, संविधान के खिलाफ सरकार ने इस तरह का नोटिफिकेशन जारी किया, उसके खिलाफ आप याचिका लगाइए। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, हम फिर इसी तरह की जन उपयोगी जानकारियां लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।